एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लीन ईटिंग हैबिटेट। जब भी मैं होली के बारे में सोचती हूँ, सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो है ठंडाई। और आज क्लीन ईटिंग हैबिटेट किचन में बनने वाली है ठंडाई, लेकिन हेल्दी ठंडाई। अरे वाह, ठंडाई जो है ड्राई फ्रूट और मसालों का मिक्सचर होता है। इसके लिए हमें चाहिए काजू, सौंफ, पिस्ता, बादाम, खसखस, गुलाब की पंखुड़ियाँ, केसर, छोटी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, खरबूजे के बीज, और क्योंकि हम बना रहे हैं हेल्दी ठंडाई तो हम यूज कर रहे हैं चीनी की जगह खजूर। ओके, अब सबसे पहले मैं इस पैन को गर्म कर रही हूँ। जब हल्का सा पैन गर्म हो जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे। अब जैसे पैन गर्म हो गया है, अब हम इनमें मेवा डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम काजू, बादाम, खसखस, पिस्ता, खरबूजे के बीज, सौंफ, गुलाब की पत्तियाँ, पंखुड़ियाँ, इलायची, काली मिर्च, टुकड़ा दालचीनी। अब इसमें डालेंगे हम केसर। सिर्फ हमको गर्म पैन में अपने मेवाओं को डाल के इनको हल्का सा गर्म करना है ताकि आसानी से पिस जाए। अब मसालों की नमी दूर हो गई है क्योंकि अब हम इनको पीस लेंगे मिक्सी में। ठंडाई का मसाला पीस के तैयार है। ये मोटा थोड़ा दरदरा है, आप इसे बारीक भी पीस सकते हैं, लेकिन दरदरा रहने से थोड़ा अच्छा स्वाद अच्छा आता है। अब ये मसाला जैसे ज़्यादा लग रहा है कि भी ज़्यादा बन गया है, तो इसको कोई बात नहीं, आप इसे भर के फ्रिज में रख सकते हैं भरने में, क्योंकि बाद में कभी भी बच्चों के लिए आप कुल्फी बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, फिरनी बना रहे हैं, कुछ भी चीज़ बना रहे हो आप घर में यूज कर सकते हो, पर रखना जरूरी फ्रिज में है, क्योंकि नहीं तो ये ड्राई फ्रूट्स हैं बाहर रखे हुए खराब हो जाते हैं, एक अलग टेस्ट बन जाता है इसका। अब हम बनाएंगे इसकी ठंडाई। यहाँ पर मैंने लिया एक गिलास दूध। अब इसमें हम डालेंगे भीगे हुए खजूर और अब हम इनको पीसेंगे। अब इसमें मिलाएंगे हम ठंडाई का एक चम्मच मसाला जो हमने पीसा था वो। अब ठंडाई तैयार है सर्व करने के लिए।